कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहे हैं और इसमें हम आपको क्षेत्रफल और परिमाप का जो अध्याय था उसको हम कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आपको एक सवाल दे रखा है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है तो इसको ध्यान से समझना है और करना है। ऐसा पे आपके अगर पेपर में सवाल आता है तो कम से कम 5 या 6 नंबर का एक सवाल आता है। तो देखिए, सवाल है, ये आपके पाठ्य पुस्तक का एक एग्जाम्पल है जिसको हम करेंगे अभी। ये कह रहे, पिंकी 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाती है, नंबर एक। फिर नंबर दो, बॉब, जो कि एक नाम दिया हुआ है। बॉब एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 160 और 105 मीटर है के किनारे किनारे चक्कर लगाता है। तो इस सवाल को समझ लीजिए पहले आप। ये देखिए, दो मैदान बनाए, ये आकृति है वर्गाकार, ये आकृति है आयताकार। दो आकृतियां कीजिए, पहली आकृति पिंकी, ये इस वर्गाकार मैदान के चारों ओर किनारे किनारे चक्कर लगाती है। यहां बॉब दे रखा है, ये बॉब जो है आयताकार मैदान के किनारे किनारे यानी चारों ओर चक्कर लगाता है। अब ये जो पिंकी वर्गाकार मैदान के चारों चक्कर लगा रही है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 75 मीटर है। कितनी है? 75 मीटर है। और बॉब जो आयताकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसकी लंबाई 105 और चौड़ाई है इसकी, सॉरी, लंबाई 160 और चौड़ाई 105। तो आपको यह तय करना है कि दोनों में से कौन अधिक और कितनी अधिक दूरी तय करता है। यानी दोनों चारों ओर दौड़ रहे हैं, तो इन चारों के, इन दोनों के दौड़ने के अंदर पिंकी अधिक दौड़ लगा रही है या वो अधिक दौड़ लगा रही है, और क्या कर रहा है, कितनी अधिक दूरी तय करती है, और वो दोनों में से ज्यादा कौन और कितना अधिक तय करता है, आपको ये याद करना है। तो आपको पता है कि किसी भी आकृति, चाहे वर्गाकार हो चाहे आयताकार हो, वो यहाँ से किनारे किनारे दौड़ लगा रहा है। यानी ये पहली दूरी कंप्लीट की, फिर ये दूसरी दूरी कंप्लीट की, फिर तीसरी और ये चौथी। यानी वो चार एक राउंड ले रहा है पूरा। यानी वो वापस घूमकर जब यहाँ आएगा तब उसका एक चक्कर क्या हो जाएगा, पूरा। वही स्थिति इधर है, पहले वो मान लीजिए यहाँ से दौड़ शुरू कर रहा है, तो पहले उसने 160 मीटर की दूरी तय की, फिर वो यहाँ से इस तरफ जाएगा तो फिर उसने 105 मीटर की दूरी तय की, फिर वो वापस किनारे इधर आया तो फिर उसने 160 मीटर की दूरी तय की, और फिर इधर आया तो फिर उसने 105 मीटर की दूरी तय की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में वो एक चक्कर लगता है पूरा। अब एक चक्कर के अंदर कुल दूरी कितनी हुई, तो हम क्या करते हैं, इन सभी भुजाओं का आपस में क्या करते हैं, योग। और ये भुजाओं का पूरा योग ही, चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, चारों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमाप। और एक परिमाप निकलने के बाद आप ये एक चक्कर की क्या निकल जाएगी, दूरी। क्या निकल जाएगी? दूरी। और फिर आप दोनों में तय कर सकते हो कि कौन अधिक दूरी तय किया और किसने कम दूरी तय किया। अब इस सवाल को अपन अपने सूत्र की सहायता से करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है वो है पिंकी। तो देखिए क्या दे रखा है, पिंकी 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले वर्ग की बात हो रही है, तो वर्गाकार मैदान
की भुजा की लंबाई, वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई ये आपको दे रखा है 75 मीटर। अब आपको निकालना है इसका परिमाप, और परिमाप क्यों निकालना है वो मैंने आपको अभी चित्र बना के समझा दिया पूरा। यानी वर्गाकार मैदान का परिमाप, और परिमाप का सूत्र तो याद हो गई आपको, 4 × भुजा। तो 4 तो आ गया आपका सूत्र का, भुजा आपको दे रखी है 75 मीटर। तो 4 को हम 75 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 को 5 से करेंगे तो 4 × 5 = 20, हासिल रह गई 2। 4 को 7 से किया, 4 × 7 = 28, 28 × 2 = 30, यानी टोटल आ गया 300 मीटर। अब ये 300 मीटर क्या निकला, परिमाप, यानी एक चक्कर निकल गया। क्या निकल गया, एक चक्कर। तो पिंकी किनारे किनारे दौड़ी है, तो हम यहां लिख देंगे अतः पिंकी दूरी तय करती है, पिंकी दूरी तय करती है बराबर 300 मीटर। ये पिंकी की बात हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, बॉब एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और तथा चौड़ाई 160 और 105 मीटर है, और किनारे किनारे चक्कर लगा रहे हैं। तो आयताकार आयताकार मैदान की लंबाई, आयताकार मैदान की लंबाई ये आपको दे रखा 160 मीटर। फिर आयताकार मैदान की चौड़ाई 105 मीटर। अब आपको निकालना है इसका परिमाप। तो आयताकार मैदान का परिमाप, सूत्र आपको याद होगा 2 × लंबाई + चौड़ाई। सूत्र को बार बार बोलना है तो आपको याद रहे और आप भूलें ना। क्या होगा परिमाप का सूत्र, आयत के परिमाप का सूत्र 2 × लंबाई + चौड़ाई, आयत के परिमाप का सूत्र 2 × लंबाई + चौड़ाई। तो 2 × लंबाई + चौड़ाई, तो देखिए 2 × 2 × लंबाई आपको दे रखी है 160 प्लस चौड़ाई आपको दे रखी है 105 मीटर। 2 × इनको जोड़ो, देखो 5 × 0 = 5, 0 × 6 = 6, 1 × 1 = 2, 265 मीटर। अब इसको हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा, 265 को 2 से गुणा, 5 × 2 = 10, 1 बज गया, 6 × 2 = 12, 12 × 1 = 13, 1 बज गया, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 6 × 2 = 12 × 1 = 13, 1 बज गया, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 5, 530 मीटर। ये निकला आपका आयत का परिमाप। यानी बोब जो है, मैं यहां लिख रहा हूं ध्यान रखना, अतः बोब दूरी तय करता है, बोब दूरी तय करता है बराबर
530 मीटर। ये आपका दोनों का निकाल लिया हमने। पिंकी कितनी दूरी तय करती है, वो कितनी दूरी तय करती है। अब इसका सवाल में क्या लिखा आपको, दोनों में से कौन अधिक और कितनी अधिक दूरी तय करती है। तो देखिए पिंकी तो कर रही है 300 मीटर, वो कर रहा है 580 मीटर। कौन कितना अधिक दूरी तय कर रहा है वो आपको बताना है। दोनों में से कौन अधिक दूरी तय कर रहा है, देख लीजिए वो कर रहा है, कितना कर रहा है अब वो आपको निकालना है। तो बराबर हम लिखेंगे बॉब दूरी, तो हम क्या करेंगे इस 530 मीटर में से पिंकी ने जो दूरी तय की है 300 मीटर वो हम घटा देंगे। 500 वो दूरी, फिर 530 मीटर माइनस 300 मीटर इसको हम घटाएंगे। तो देखिए 530 और 300, 0 3 5 में से 3 गया 2, 230 मीटर अधिक दूरी तय करता है। बॉब दूरी 530 माइनस 300 मीटर बराबर 230 मीटर अधिक दूरी तय करता है। तो अगर इस प्रकार से थोड़ा बड़ा सवाल आए तब आपको इसमें तीन बातें पूछी गई है। पहला पिंकी कितनी दूरी तय करती है, दूसरा बॉब कितनी दूरी तय करता है, और कौन अधिक दूरी तय कर रहा है और कितनी अधिक कर रहा है। तो पहले आप जिसे वर्ग की बात हो रही है तो हमने वर्ग का परिमाप निकाला, जो वर्ग का परिमाप होगा वो एक चक्कर की दूरी होगी। फिर वो आयताकार मैदान के चारों ओर दौड़ रहे तो हमने आयताकार का परिमाप निकाला, वही एक चक्कर ही उसका परिमाप होता है। फिर 300 और 580 आया, और फिर हमने दोनों का अंतर ज्ञात किया तो हमने देखा कि बॉब अधिक दूरी तय कर रहा है और कितनी अधिक तय कर रहा है, तो हमने बॉब की दूरी में से पिंकी की दूरी को माइनस कर दिया और करने के बाद जो हमारा आंसर निकला वो है 230 मीटर। तो ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, आप ध्यान से देखो समझो और बाद में सवाल को स्वयं अपने आप करने का अभ्यास करो और फिर इससे मिलाओ कि आपने कितना सवाल सही किया और कितना गलत। धन्यवाद।